दोस्तों, वेलकम टू यूके चैनल। माई सेल्फ अजय, और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज का एक नया टॉपिक सेक्स जेंडर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चालू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक सेक्स जेंडर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सेक्स जेंडर आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, हेट्रोसेक्सुअल एंड होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल यानी कि होता है विषम लैंगिक, होमोसेक्सुअल यानी कि होता है समलैंगिक। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक है अपना हेट्रोसेक्सुअल के बारे में। ठीक है, तो हेट्रोसेक्सुअल में एग्जांपल देखे हैं मेल एंड फीमेल, यानी कि क्या रहेगा कि सेपरेट मेल एंड सेपरेट फीमेल, जैसे कि लड़का और लड़की दोनों सेपरेट रहेंगे। ठीक है, उनके सेक्स सेपरेट रहेंगे, मेल्स सेक्स सेपरेट, फीमेल सेक्स सेपरेट। ठीक है, सो सेपरेट मेल सेपरेट फीमेल, दैट इज कॉल्ड, इसको यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर अभी आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो हम जो आते हैं नॉर्मली हेट्रोसेक्सुअल कैटेगरी में आते हैं, जिसमें लड़का अलग से रहता है, लड़की अलग से रहती है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया हेट्रोसेक्सुअल के बारे में। हेट्रोसेक्सुअल यानी कि विषम लैंगिक, जिसमें मेल एंड फीमेल आपको साइन पता रहना चाहिए, मेल का ये साइन है, फीमेल का ये वाला साइन है। ठीक है, तो सेपरेट मेल एंड सेपरेट फीमेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल एंड आल्सो कॉल्ड हेट्रोसेक्सुअल। ठीक है, ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नए सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ। सेकंड है अपना होमोसेक्सुअल। क्या है? होमोसेक्सुअल। ठीक है, होमोसेक्सुअल में ही आप लोगों को मोस्टली में LGBTI क्या होता है ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले L है, L मतलब आ रहा है लेस्बियन। ठीक है, L फॉर लेस्बियन। ठीक है, तो लेस्बियन मतलब क्या होता है कि लेस्बियन यानी कि ऐसा इंसान, ठीक है, जो कि फीमेल, ऐसी फीमेल जिसका सेक्सुअल अट्रैक्शन फीमेल के ऊपर होगा, यानी कि लड़की, लड़की का सेक्सुअल अट्रैक्शन लड़की के ऊपर ही होगा। ठीक है, सो फीमेल का सेक्सुअल अट्रैक्शन फीमेल के ऊपर ही होता है, तो डैट इज कॉल्ड लेस्बियन, उनको लेस्बियन कहा जाता है। ठीक है, तो एक लड़की रहेगी, एक फीमेल रहेगी, जिसका सेक्सुअल अट्रैक्शन सिर्फ फीमेल के ऊपर रहेगा, उसको मेल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना जी। ठीक है, जी यानी कि आता है गे। ठीक है, जी फॉर गे। सो देखिए, गे में क्या होता है कि कोई मेल है जिसका सेक्सुअल अट्रैक्शन मेल के ऊपर ही रहता है, ठीक है, किसी फीमेल के ऊपर नहीं रहता। तो देखिए, मोस्टली तो नेचुरली तो मेल का सेक्सुअल अट्रैक्शन फीमेल के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेल का सेक्सुअल अट्रैक्शन मेल के ऊपर ही है, आदमी का सेक्सुअल अट्रैक्शन आदमी के ऊपर ही है, दैट इज कॉल्ड, इस प्रोसीजर को गे कहा जाता है। ठीक है, ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? गे कहा जाता है। ठीक है, तो लेस्बियन और गे के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, लेस्बियन यानी कि फीमेल का अट्रैक्शन फीमेल के ऊपर ही रहेगा, मेल का अट्रैक्शन मेल के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम तीसरा चालू करते हैं, बायसेक्सुअल। ठीक है, थर्ड है अपना बी। ठीक है, बी फॉर बायसेक्सुअल। अब बायसेक्सुअल यानी कि क्या? इसमें दोनों भी सेक्स मौजूद रहेंगे, यानी कि देखिए कि अगर कोई मेल है, ठीक है, उसका मेल, वो मेल है तो उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन फीमेल के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो मेल जो है उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन फीमेल के ऊपर तो रहेगा ही, लेकिन ऊपर से मेल के ऊपर भी उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन रहेगा, यानी कि एक मेल का अट्रैक्शन फीमेल के ऊपर भी और मेल के ऊपर भी है। ठीक है, और दूसरा देखिए कि कोई फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल का जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है नेचुरली मेल के ऊपर रहता है, लेकिन जो फीमेल है उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन मेल के ऊपर तो है ही, ऊपर से फीमेल के ऊपर भी उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन आ रहा है, यानी कि एक मेल है उसका दोनों के ऊपर सेक्सुअल अट्रैक्शन है, फीमेल एंड मेल, एक फीमेल है उसका दोनों के ऊपर भी सेक्सुअल अट्रैक्शन है, मेल एंड फीमेल, यानी कि दोनों के ऊपर सेक्सुअल अट्रैक्शन है, इसलिए इसको बायसेक्सुअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायसेक्सुअल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी तीसरा, चौथा अपना टॉपिक चालू होता है ट्रांसजेंडर के बारे में। अभी यहाँ से और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसजेंडर यानी कि क्या होता है? किन्नर, हिजड़ा, छक्का, जो हम नेचुरली सोसाइटी में देखते हैं। ठीक है, तो जो किन्नर, हिजड़ा या छक्के वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, ये जो रहते हैं इनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, ये नॉर्मली मेल फीमेल में नहीं रहते। तो क्यों इनको थर्ड जेंडर में लिया गया है, तो इसका रीज़न आप लोगों को पता चलेगा। देखें, यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर रहते हैं, जो किन्नर, हिजड़े, जो छक्के वगैरह रहते हैं, ठीक है, ये इनमें क्या रहता है? डज नॉट वेल डेवलप मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप होके नहीं रहता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए यहाँ पे कि जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से
ये सेक्स ऑर्गन्स वेल डेवलप होके नहीं रहते। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल का पेनिस अगर रहता है तो पेनिस वेल डेवलप होके नहीं रहता है, या जो फीमेल का जो वजाइना पोर्शन रहता है वो वजाइना पोर्शन अच्छी तरीके से डेवलप होके नहीं रहता है। ठीक है, तो जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है ये इनमें अच्छी तरीके से डेवलप होके नहीं रहता है। तो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि किन्नर हिजड़े की बॉडी किस तरीके से रहती है, उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो किस तरीके से रहता है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया है कि इनका जो सेक्सुअल ऑर्गन से ये वेल डेवलप होके ही नहीं रहता है। जो मेल की साइज है, पेनिस की जो साइज है वो नॉब बहुत छोटी रहती है, या जो फीमेल का जो भी वजाइनल ओपनिंग है वो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं रहता। दैट इज कॉल्ड, क्या बोल रहे हैं, ट्रांसजेंडर। ठीक है, सो समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ पे। अभी हम अपने पांचवा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अपना पांचवा टॉपिक है इंटरसेक्स के बारे में। ठीक है, तो इंटरसेक्स के बारे में देखें, इंटरसेक्स मतलब क्या हो रहा है कि ऐसे इंसान जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों भी ऑर्गन्स मौजूद रहेंगे, मेल प्लस फीमेल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये कैसे होगा। अब ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन ये भी जो होता है ये नेचुरली होता है। ठीक है, तो देखिए, तो ट्रांसजेंडर के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, किन्नर, हिजड़ा, छक्का। ठीक है, ये जो मैंने ट्रांसजेंडर के बारे में बताया, ये जो है नेचुरली होता है, इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं रहती। ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से सब कुछ हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई डिसऑर्डर भी नहीं है, ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस, हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होने की वजह से, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से जो बच्चा रहता है, जो बेबी रहता है, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, वो ट्रांसजेंडर में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये पूरा नेचुरल प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ट्रांसजेंडर जैसे ही, अभी जो पांचवा टॉपिक है अपना इंटरसेक्स के बारे में, तो इंटरसेक्स में भी क्या होता है, इसी तरीके से हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, और ये भी नेचुरली प्रोसेस है। इसमें मेल फीमेल यानी कि पेरेंट्स की कोई गलती नहीं रहती, ये सब कुछ जो होता है ये नेचुरली होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्स है जिसमें मेल और फीमेल दोनों भी मौजूद रहते हैं, तो कैसे है, तो देखिए, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वन ह्यूमन। इंटरसेक्स में क्या होगा कि दोनों भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे एक ही इंसान में। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये भी नेचुरली हो जाता है कि एक ही इंसान के अंदर दो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद है, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। एन ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अभी इनमें दोनों भी सेक्स ऑर्गन्स आ रहे हैं, मेल एंड फीमेल, तो इनमें दोनों भी गैमेट्स भी मौजूद रहेंगे, यानी कि ये जो इंसान है, ये जो ह्यूमन है, इनमें मेल एंड फीमेल दोनों भी गैमेट्स मौजूद रहेंगे, यानी कि टेस्टिस भी मौजूद रहेगा एंड ओवरीज भी मौजूद रहेगी। जैसे कि मेल में टेस्टिस रहता है, फीमेल में ओवरी रहती है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें टेस्टिस भी रहेगा और ओवरी भी मौजूद रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आप लोग की तरफ शो किया है। ठीक है, ये डायग्राम है, यहाँ पे पेनिस का पोर्शन देखे है। ठीक है, ये पेनिस की साइज जो रहती है, स्मॉल पेनिस साइज रहती है। ठीक है, जो अपना नॉर्मली जो पेनिस का साइज रहता है वो नॉर्मल पेनिस का साइज नहीं रहता, बहुत छोटा पेनिस का साइज रहता है। और नीचे में देखिए जो पोर्शन है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वजाइनल ओपनिंग जैसा भी दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे पेनिस भी प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पे वजाइना भी प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन दोनों भी जो रहेंगे ये अच्छी तरीके से, मतलब वेल साइज के या नॉर्मल साइज के नहीं रहेंगे। ठीक है, जो पेनिस है उसका स्मॉल साइज रहेगा, और जो वजाइना है ये इसकी ओपनिंग नहीं रहेगी अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन दोनों भी क्या रहेंगे, एक ही इंसान में मौजूद रहेंगे ये दोनों भी ऑर्गन्स, मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स। ठीक है, मेल टेस्टिस एंड फीमेल टेस्टिस, ये दोनों भी एक ही इंसान के अंदर मौजूद रहेंगे, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड हर्म्याप्रोडाइटिज्म। ठीक है, इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, हर्म्याप्रोडाइटिज्म, यानी कि एक ही इंसान के अंदर दोनों भी गैमेट्स मौजूद है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, एक ही इंसान के अंदर दोनों भी गैमेट्स मौजूद है, टेस्टिस एंड ओवरी, इसीलिए इसको, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, हर्म्याप्रोडाइटिज्म कहा जाता है। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा चैनल देखना ना भूलिए। ठीक है, ओके, बाय गाइज़।